हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हम ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाने जा रहे हैं। उसे पफ्ड राइस से बनाई जाती है जो ब्रेकफास्ट में बहुत आसानी से बन जाती है और सबको बहुत पसंद आती है। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। हमने 1/4 केजी पफ्ड राइस लिए हैं, उसे 10 मिनट तक भिगो कर रखा था और पानी में से निकाल लिया है। 10 मिनट बाद इसे पानी से हमने निकाल लिया है। और एक बड़ी साइज की प्याज हमने स्क्वायर शेप में कट कर ली है और थोड़ा सा करी पत्ता और 3 मीडियम साइज के टमाटर और थोड़ा सा हरा धनिया और टेस्ट के मुताबिक हम सॉल्ट लेंगे। हल्दी थोड़ी सी, एक आधी स्पून हमें काफ़ी हो जाएगी। थोड़ा सा जीरा, राई और ये हमने जो चना होता है हम उसे फुटाने कहते हैं, उसको हमने 1/2 कप मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। ये इमली का पल्प है जो थोड़ी सी इमली लेकर हमने पानी में भिगो कर रखी थी और उसका पल्प बना लिया है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और 3 हरी मिर्च को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और हम उसमें 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। इतना काफी है। जब भी अच्छे से गर्म हो जाए तब हम उसमें थोड़ी सी राई डालेंगे। जब भी हम कोई भी डिश बनाते हैं जीरा और राई दोनों एक साथ नहीं डालने चाहिए, पहले हमें राई डालनी चाहिए। हमारा ऑयल अभी गर्म हो रहा है, जब वो अच्छे से गर्म हो जाए तो हम उसमें राई डालेंगे। देखिए अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, बिल्कुल इतनी थोड़ी सी हम राई डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। देखिए हमारा जीरा भी अच्छे से हो गया है। जीरा और राई हमें जलाना नहीं चाहिए, लाइट फ्लेम सिम पे उसे थोड़ा सा ऑयल में फ्राई हो जाएगा। देखिए हम ये कटी हुई प्याज और करी पत्ता डालेंगे। अब हम फ्लेम को हाई कर लेंगे। मैंने फ्लेम को लो किया था ताकि वो जीरा हमारी राई जो है वो जल ना जाए। अब हम हाई करके प्याज को थोड़ा सा पिंक होने देंगे, ब्राउन नहीं करनी है हमें प्याज को। थोड़ा सा इसका पानी सूखना चाहिए, बस हमें उतना ही पकाना है। अब हम इसमें हरी मिर्च जो थोड़ा सा नमक डाल के मैंने ग्राइंड किया था, तो हम तुरंत अगर तब भी हम डालने वाले हैं तो उसे नमक डालने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही ग्राइंड कर लेंगे। अगर हम थोड़ी देर बाद अगर उसे पकाने वाले हैं तो उसका रंग काला पड़ जाएगा, इसलिए हमने हरी मिर्च में 1 चुटकी नमक डालकर ग्राइंड किया था। देखिए हरी मिर्च को भी हम अच्छे से भून लेंगे। आप जितना तीखा खाते हैं उतना ले सकते हैं, मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ली है। देखिए अच्छे से हमारी हरी मिर्च भी भुन चुकी है। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और इसको भी हम अच्छे से थोड़े से चला लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें जब तक ये टमाटर गल नहीं जाते तब तक इसे पकाना है।
मैंने एक 1 टीस्पून नमक लिया था जो मैं डाल रही हूँ। इसे जितना लगता है मेरे अंदाज से मैंने लिया था, आप जितना लेते हैं उतना डाल सकते हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर लूँगी ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हमने नमक डाला है तो ये अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकाएंगे और इसे फ्लेम को लो ही रहने देंगे कुछ देर के लिए। अब हम ढक्कन को हटाकर चेक करेंगे हमारे टमाटर गले या नहीं। हम देखेंगे, देखिए हमारे टमाटर गल चुके हैं। इसे अच्छे से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अब हम इसमें जो हमने पल्प निकाल कर रखा था इमली का वो डाल देंगे, इससे खट्टापन बहुत अच्छा आएगा। हमें लेमन की ज़रूरत नहीं, इसमें मसाला हमें ज़्यादा होना चाहिए तभी हमारी वग्गानी बहुत अच्छी बनेगी। देखिए इसमें कितना अच्छा लग रहा है मसाला, हमें इतना ही चाहिए। और इस खट्टे को हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे ताकि जो इमली की स्मेल होती है वो चली जाए, कच्चापन ना दिखे टेस्ट में। इसको अच्छे से हम भून लेंगे हाई फ्लेम पे। जब तक इसका साइड से ऑयल नहीं आ जाता तब तक हमें इसे अच्छे से भूनेंगे। जो टमाटर दिख रहे हैं उन्हें भी हम साथ में थोड़ा सा मैश करते जाएंगे। देखिए अब ये बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं और अच्छे से कुक भी हो गया है सब मसाला हमारा। अब हम इस टाइम पे जो हरा धनिया हमने रखा था वो डाल देंगे। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ऑयल हमारा कितना अच्छे से ऊपर आ गया है। अब ये अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि वो हमारे पफ्ड राइस इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, बिल्कुल थोड़ा सा। अब हम इसे अच्छे से गरम कर लेंगे, ये अच्छे से पक जाए तब हम उसमें हमारे पफ्ड राइस डालेंगे। देखिए इतना तो इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसकी, बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं डालना है हमें। देखिए हम अब इसमें पफ्ड राइस हमारे जो हमने 10 मिनट के लिए भिगो कर रखे थे और उसे पानी से अच्छे से निचोड़ कर निकाल दिया था, वो सारे पफ्ड राइस इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने थोड़ा सा पानी डाला था ना उसमें, तो ये मसाला अच्छे से हो गया और ये राइस इजीली इसमें अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। अगर हमारा मसाला थोड़ा सूखा होता तो ये इतने अच्छे से हम मिला नहीं पाते उसे। देखिए ये करेक्ट परफेक्ट बना है हमारा। इसे हाई फ्लेम पे ही हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनना है, बस सिर्फ 1 मिनट के लिए। ये जो फुटाने का पाउडर है वो हम इसमें डालेंगे, डालकर फ्लेम को लो कर लेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। बस हमारी वग्गानी बनकर रेडी हो गई है। देखिए हम अगर ये आटे को पहले ही डाल देते तो वो नीचे चिपक जाता, इसीलिए हमने पहले पफ्ड राइस को अच्छे से मिक्स कर लिया है मसाले में, फिर लास्ट में हमने फुटाने का पाउडर इसमें डाला है। अब इस स्टेज पे हम इसका लिड बंद कर देंगे और फ्लेम को भी हम ऑफ कर लेंगे और हमारी
वगानी बनकर रेडी है पफ्ड राइस की। ये ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छी लगती है। 2 मिनट बाद हम ढककर ऐसे ही रखेंगे, 2 मिनट बाद खोल लेंगे, फिर डिश आउट करेंगे। देखिए, हमने डिश आउट कर लिया है, हमारी वगानी बनकर रेडी है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। आप भी घर पर बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि कैसी बनी है। थैंक यू।